और माँ, जब मैंने उसे कहा कि तूने माँ से भी एक वादा किया था, मैं माँ से क्या कहूंगा? तो जानती है उस बेवफा ने क्या कहा? तू जानती है उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा, मेरी माँ की चूत। ये सब तो चलता रहेगा। आज बात करेंगे हमारे दिल के दर्द की, उस जगह की जिसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वहाँ पैसा ही पैसा होगा, पर असल में वो जगह कंगालियत की मिसाल है, जहाँ जाने से बेहतर है कि तुम अपने पिछवाड़े में गरम लोहा ठंडी जगह से डाल लो, ताकि चुभने पर निकाल भी ना पाओ। आज हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तपती गर्मी में जब तुम नवरत्न तेल लगा के निकलते हो, तो तुम्हारे ऊपर नीचे के साथ साथ तुम्हारे अंदर बाहर और आगे पीछे से भी पानी निकल रहा होता है। और फिर जब तुम बैंक के अंदर जाते हो, तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कतरीना कैफ के होठों पर एक बूंद स्लाइस गिरने से आती हो। लेकिन जब तुम्हारी आंखें सही से खुलती है, तब तुम्हें पता चलता है कि देश की आधी वेली जनता तो यहीं पर आई हुई है। उस वेली जनता में आधे तो वो हैं जिन्हें घर वालों ने दूसरी कटोरी दाल मांगने पर घर से निकाल दिया है, और वो यहाँ एसी की ठंडी हवा का मजा लेने आए हैं। ठीक है, जब तुम बैंक के अंदर घुसते हो, तो वो तुम्हें शक की निगाहों से ऐसे देख रहे होते हैं जैसे तुम्हें तो पहले ही कटोरी में निकाल दिया है। साले कुत्तों की जिंदगी। फैमिली प्लानिंग को ना मानने वाले हजरात अपने पूरे खानदान को लेकर बैंक पिकनिक पर आते हैं। बैंक में एक ही बैठने की जगह होती है, और ये खानदान वहाँ पर कब्जा माफिया बन के बैठा होता है। और अगर बैंक में गलती से सीट मिल जाए, तो वो हजरात जिनकी उम्र तुमसे 5 साल बड़ी है और उनकी शादी भी नहीं हुई है, वो भी अपने उम्र का तकाजा मार के बैठ जाते हैं। चार बंदियां नजर आ जाए तो अपने सामान को ऐसे सहलाते हैं जैसे तोता इन्होंने ही पाला हुआ है। तुम्हारा काम है कि पैसे जमा कराओ और पहली फुर्सत में निकल जाओ। उसके लिए भी तुम्हें 135 फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पहले तो ये सुनो, पहले तो टेबल में बैठे किसी बंदे के पास जाओ, उससे स्लिप बनवाओ कि तुम्हें पैसे जमा करवाने। क्या आपको लग रहा है कि ये सिंपल है? लंड मेरा। वो बंदा किसी लेडी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, और अगर कस्टमर हॉट है तो समझो 1 घंटे तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होनी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये गांडू का बच्चा सिर्फ आंखें ठंडी कर रहा होता है, क्योंकि आंखें वो चीज है जो ना तो एसी से ठंडी होती है और ना ही बर्फ के ढेलों से। भाई आंखें ही ठंडी करनी है तो बैंडस्टैंड चला जा। इन्हें ये काम भी बैंक में ही करना है। 5 मिनट आंखें ठंडी करने के बाद इनका पूरा जिस्म गर्म हो जाता है। फिर ये बहुत तहजीब से बोलते हैं, आप जरा आराम से बैठिए, मैं ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ। हाँ भाई, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि बाथरूम में ऑफिस का कौन सा काम है। देख रहे कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। बाथरूम से वापस आके ये पूछेंगे, जी सर बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था कि गर्मी उतरने के बाद याददाश्त चली जाती है। एक काम कर, अपनी बहन का रिश्ता भेज दे, और साथ में 2-4 कंजरों को भी भेज दे। आर आर आर। और जिस कुर्सी पर तू बैठा है ना, उस पर से उठ जा, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। और हो सके तो इस बैंक के लॉकर की चाबी भी दे दे। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बाहर की गर्मी से बच के अंदर जाओ तो ऑफिसर पानी की जगह तेल निकालता है। आपका नाम, आपके बाप का नाम, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लड़कियां फंसाते हो या खुसरे, लड़की के बाप का नाम क्या है, उनका साइज क्या है, और फाइनली यहाँ आज कैसे चक्कर लगा। अबे मादर चोद। अबे एसी की ठंडी हवा में गरम गरम पादने आया हूँ, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, फुसी। हाँ, फुसी मारने आया हूँ। गर्मी में मेरी लुल्ली लटक जाती है, तो डॉक्टर ने कहा है कि एसी की हवा यूज करो, काम टुन रहेगा, तो आज इसीलिए काम टून करने आया हूँ। गुरुजी कंट्रोल। मतलब इतनी बेतुके और फ्री स्टाइल बातें चल रही होती है जैसे मैं पैसे जमा नहीं इनकी लेने आया हूँ। ओह ये। 250 जमा कराने के लिए 4 बार इन्होंने साइन कराना है। सर ये यहाँ फ्रंट पर साइन कर दीजिए, सर ये बैक पर 2 साइन कर दीजिए, सर मैं पैंट उतारता हूँ मेरी पिट्ठी पर 3 साइन कर दीजिए, सर मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे कुत्ते के गले में जो पट्टा है वहाँ साइन कर दीजिए। मारो मुझे मारो। साइन करने के बाद तुम्हें एक लंबी सी लाइन में लगना होता है, जिसकी बारी आते आते तुम्हारे 8 बच्चे हो जाते हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फाइनली तुम्हारी बारी आने पर पता चलता है कि बारी लेने के लिए तुम्हें टोकन लेना होता है, जो तुम लेना भूल ही गए। दुनिया की वो गाली जो आज तक इजाद नहीं हुई, तुम खुद को दे डालते हो। तुम्हारा मन करता है कि एल पर गए पैसे,
₹250 के डब्बे सिगरेट लूंगा और रात को अय्याशी मारूंगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अनूप सोनी की बात मान के तुम टोकन ले लेते हो। टोकन नंबर है 624 और अभी नंबर चल रहा है 402। तुम लाइन में खड़े खड़े यही सोचते हो कि अपना टाइम आएगा। जब टाइम आता है 623 का तब तुम्हारे अंदर खुशी के लड्डू फूट जाते हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है। फिर अचानक से मशीन 623 से सीधे जंप करके 625 पर आ जाती है। पूछने पर पता चलता है कि जो टोकन तुम्हारे हाथ में है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। कंप्यूटर ने तुम्हें चूतिया बनाया। तुम्हारा दिल करता है उस ₹250 की बत्ती बनाऊं और उसे ऐसी जगह डाल दूं जो बैंक से भी ज्यादा सेफ हो। डाल दे इसकी गांड में डालना। क्या बात है, क्या बात। गुस्से के इंतहा में तुम्हें ये सोच सोच कर सुकून मिलता है कि अगर ये टाइम तुमने यहाँ वेस्ट नहीं किया होता तो कौन सा घर में कोई रिश्ता लेके बैठा था। कम से कम एसी में आज का दिन ही गुजर गया। आज आके कहानी ये निकलती है कि तुम्हें किसी को अगर पैसे देने भी होंगे तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें किसी को पैसे देने के लिए भी अपनी गांड में लकड़ी लेनी पड़ेगी। वो तुम्हारे पैसे लेंगे वरना वो कह देंगे भाग यहां से भूसड़ी की। ये तो हो गई पैसे जमा करने की बात। तुम्हें क्या लगता है पैसे निकालना आसान है? जी लौड़ा, पैसे निकालना भी एक तरह की ठुकाई ही है। जब तुम इनके सामने चेक पर साइन करके दोगे ना तो ये बोलेंगे सर साइन मिल नहीं रहा है, ये साइन में जो एल है ये छोटा है, इसको इतना लंबा कर दीजिए कि या तो ये आपके अंदर चला जाए या मेरे अंदर बढ़ जाए। अरे बंदा तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारे सामने साइन कर रहा है, इन्हें तो एल बड़ा चाहिए, इन्हें हर चीज बड़ी और क्लियर चाहिए। और ये सब सेट होने के बाद जब तुम पैसे लेने जाओ तो बेशक वहां पर कोई बंदा ना खड़ा हो, इन्होंने तुम्हें पैसे नहीं देने जब तक कि ऊपर मशीन में तुम्हारा नंबर ना आ जाए। मार्केट। और अगर आ जाए और इन्हें कोई काम पड़ जाए तो इन्होंने पहले वो काम करना है। इनके हिसाब से ये बहुत काम करते हैं और तुम रात को 2 बजे तक मियां खलीफा और सनी सर्च करने वाले वेले लोग। हेलो गाइस, आई एम मियां खलीफा। वाह, दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। बैंक वालों के इतने रूल्स हैं जितने तुम्हारे बाप के भी नहीं है। चिल्ला रहे बापा बोला नहीं। चिल्लाओ नहीं, बापा बोला नहीं। किसी के बाप नहीं बोला, समझे क्या? अगर चेक में गलती हो जाए तो 4 साइन चाहिए। जिस बंदे का चेक है उसी को यहाँ होना चाहिए। बेशक वो बीमार है, उसकी फटी पड़ी है, उसके टांग में टाके लगे हैं, वो यहाँ आए और साइन करके जाए। आपने इनका वॉशरूम यूज करके फ्लश नहीं चलाया, 4 साइन करके जाओ। इतने साइन तो बंदा 4 शादी भी करके आ जाए ना तब भी नहीं करता जितना ये एक चेक पर करवा लेते। अच्छा, मेरा बैंक वालों से मशवरा है, इतने साइन करने के बजाय एक टैटू बनवा दो। जब पैसे लेने हैं टैटू दिखाओ और ले जाओ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पैसे एटीएम से निकालते हैं। उन लोगों में भी अलग अलग किस्में हैं। पहले तो मेरे जैसे लोग जो ₹250 से ज्यादा ना कभी जमा कराते हैं और ना कभी निकालते हैं। जब ₹250 मशीन से ना निकले तो सीधे मैनेजर के पास चले जाते हैं कि तुम्हारा मशीन काम नहीं कर रहा। मर साले को, साफ कर कचरा पेटी को। कुछ ऐसे बेगैरत होते हैं जो पैसे निकालना छोड़ो उनके पास एटीएम कार्ड ही नहीं होता। एटीएम कार्ड भी छोड़ो, अगलो के पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता। एटीएम को लेटेस्ट शीशों वाली लैट्रिन समझ के घुस जाते हैं, फिर बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। इनका बस चले तो पूरे खानदान को लेकर बोरिया बिस्तर बांध कर यहीं आ जाए। बैंक में तुम्हें पैसे जमा कराने हैं तो तुम्हें बताना होगा कि ये पैसे कहां से आए। अगर तुम्हें पैसे निकालने हैं तो तुम्हें बताना होगा कि इन पैसों का तुम करोगे क्या। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। यार मैं पैसे दे के मारूं या अपनी मरवाऊं वो मेरा मसला है। तुम्हें तो ऐसी खुरक मच रही है जैसे तुम्हारी बहन के दहेज के पैसे लेके मैं जुए खेलने जा रहा हूँ। इतने गांड फटी के ये बड़वे। इन जैसों को घर में नहाने से पहले साबुन भी काट के दिया जाता है। इन जैसों को लगता है कि अंडरवेयर में सुराग होना एक फैशन है। ऐसे लोगों को उनके घर वाले भी कह के बुलाते हैं। तो यार आज के लिए बस, मैं बैंक से आकर बहुत थक गया हूँ। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसीलिए राखी जी सब्सक्राइब करने वालों को कुछ देने वाली है। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं इस बस के अलावा, ये मैं अपने बस जो है इसे मैं डोनेट करना चाहती हूँ। चल हट्टी बहन की लोड़ी।
कतराज करके गई तू एंड मने।